हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबा कर वोट दिया है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, वाराणसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ। अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूँ, मैं रायबरेली का सांसद हूँ मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। तो आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी और आपने पूरे देश को मैसेज दिया कि हम नफरत के खिलाफ हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और देश की राजनीति बदलेंगे।